कैमरा मैन, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। मैं आपके केस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है। मारियो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बड़े लंबे अरसे के बाद बात करने का मौका मिल रहा है। आपने एक दिन कटहरे में मुझे बताया था, याद है? और वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आपने, बड़ा मजा आया था। तो मुझे लगता है आज आप मेरी तबीयत का लिहाज करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे कुछ इंजेक्शन है, वो कल से लगना शुरू होंगे, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जो मैंने कल रात से लेना शुरू की है, क्योंकि कुछ टेस्ट मुझे मसूल हो गए थे कल रात में, कुछ मेरे आ जाएंगे और कुछ अगले 3-4 दिन के अंदर टेस्ट आ जाएंगे। तो वो जो ब्लड मेटल का टेस्ट था जो मुझे करवाना था, जो यहाँ पे हो नहीं सकता पाकिस्तान में, वो टेस्ट अभी एक कैदी मरा है यहाँ पे जेल के अंदर, कोटलखपत जेल में, उसके ऊपर पूरा शक है। बड़े सीनियर ऑफिसर ने मुझे बताया कि उसको भी फार्मूला से मारा है, उसको हार्ट अटैक आया, 30 साल उसकी उम्र थी, और उस कैदी ने एक बड़े आदमी के भाई को कत्ल किया हुआ था। उसका अगर एक नाखून बाल और फ्लैश, ये अगर आप अभी यूएई भिजवा दें और वहाँ से जर्मनी चला जाए बॉडी में, तो आपको पता चल जाएगा उसको कैसे मारा गया। अच्छा, तो यहाँ पे अचानक उनकी ऐसे हलाकतें हो जाती हैं। मुझे इस बात का शक हुआ जब 3 लोगों ने एक दिन में लगातार मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। मुझे ऐसा शक हुआ कि जैसे ये जानना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं। मुझे शक हुआ, फिर एक बड़े सीनियर आदमी, उन्होंने बुलाया, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक रिपोर्ट है कि आपको स्ट्रोक पॉइजन किया, आप मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रही है, छोटी मोटी है, थकावट की वजह से हुई है, ये छोटा मोटा स्ट्रेस भी होता है, फैमिली परेशान है, मैं चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी इतला के मुताबिक ये है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा जी ऐसा है, अब उनको भी शक था। उन्होंने कहा टेस्ट करवा लें, टेस्ट उन्होंने होने नहीं दिया, मतलब मैं एफ आई आर करवा टेस्ट हो जाता हूँ उसकी रेमडी के लिए। मैंने अपने आपको कैसे बचाना है, डॉक्टर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, कल से इंशाल्लाह इंजेक्शन भी शुरू हो जाएंगे, 4-5 दिन तक इंशाल्लाह। इस सवाल करने से पहले एक कमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आपके साथ हुआ है वो इन्होंने तारीफ रखी की है, इन्होंने जुल्म की तारीफ रखी की है, और मेरे समेत हर साफी भी है, बल्कि हर पाकिस्तानी आपके साथ। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं, आप घूम के आए हैं, लाहौर घूमे हैं, क्या लग रहा है आज, तहरीक इंसाफ आ गया या नून? देखें, अगर फार्मूला बनाया गया और डिजिटल धांधली हुई, जिसके हमें पता चल रहा है, पोस्ट कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन भी से, फिर तो दो हो जाएगा, वरना PMLN का गढ़ अब ये नज़र नहीं आया मुझे आज लाहौर। ये अनफॉर्चुनेट है। देखें, एक बड़ी और तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी PMLN, लेकिन एक गलत डिसीजन ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जो हुकूमत उन्होंने ली है ना, जिस तरीके से इसने उनको डैमेज कर दिया, हुकूमत लेने के बाद जो कुछ उन्होंने किया उसने मज़ीद डैमेज कर दिया। ये जितनी देर इसको चलाएंगे और डैमेज होते चले जाएंगे, अभी कुछ और बहरान आने वाले दिनों में आएंगे और उनके गले पड़ जाएंगे। तो जितनी जल्दी इलेक्शन करवा लेते हैं उतनी ज़्यादा इज्जत बच जाती। अब ये धांधली करके, जोर लगा के, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, पुलिस को इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैक्सिमम भी जीतें ये लाहौर से दो सीटें जीत जाएंगी। जो पंजाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप ही लोगों के थ्रू आ रही हैं, आप लोगों के चैनल, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू कि भरपूर धांधली के बावजूद आज लोगों ने हुकूमत के खिलाफ वोट डाले और लोगों ने लोटों को पसंद नहीं किया। देखिए, PMLN अगर अपने कैंडिडेट खड़े करती तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। जब आप एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिसको लोगों ने पहले वोट डाला और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, लोग उसको पसंद नहीं करते, तो ये एक फैक्टर भी है जो उनको डैमेज करेगा। तो 18 तो उनके लोटे ही खड़े। 168 देखिए, वहाँ पे यूज ऑफ फोर्स बहुत अच्छी है, वहाँ पे जितने बंदे आम जेल खून डलवा सकते थे वो सारे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शराफत जो है उसका कोई 3-4 लाख था, मेरे छोटे भाई का दोस्त है, उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका 3-4 लाख था, वो इंफेक्ट था, और यहाँ से टिकट के लिए उम्मीदवार भी था, उसको मिला नहीं टिकट, लेकिन वो उसकी उम्मीदवार भी था। वो अगर 4,000 वोट आप माइनस करते हैं तो इस तरह उन्होंने कई बंदे गायब किए हुए हैं, तो वहाँ से वोट तो माइनस हुए हैं 168 से। और जो ताकत का इस्तेमाल हमने 168 में देखा, वो उसके बाद हमने भक्कर में देखा, उस लेवल भक्कर में नवानियों ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पुलिस को, इंतजामिया को, निज़ाम को इस्तेमाल किया। शेखपुरा में भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो ये भक्कर, लाहौर की ये वाली सीट, शेखपुरा, साहिबाल की सीट और रोहतांग, यहाँ पे बड़ा टफ है, बाकी जगहों के ऊपर तो हमें आ रही है। इमरान भाई, ये सवाल बड़ा
इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है कि आप बेबाकी से बोलते हैं, इसलिए मैं बेबाकी से पूछूंगा। खुदा न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल कोई चक्कर नहीं है, न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रलिटी कोई चीज़ नहीं होती, वो आज भी न्यूट्रल नहीं है। मैं आपको क्लियर नहीं कह रहा हूँ, दे आर नॉट न्यूट्रल। देखिए, आप एक इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन करें और वो आप इसलिए करें कि बाद में चीज़ें रिवर्स हो जाए वापस, तो ये तो फिर आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। देखें, आप एक बहुत बड़ा कारनामा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, आप एक चीज़ बनाते हैं और आपको पता चलता है वो चीज़ गिरने वाली है, तो आप गिरने देंगे उसको। तो न्यूट्रलिटी तो नहीं है, लेकिन पब्लिक का प्रेशर और पब्लिक का जोर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके आगे बंद बांधना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हर तरफ गिरफ्तारियाँ, हर तरफ गिरफ्तारियाँ, ये कौन सा इलेक्शन है जिसके आधार लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? अब भी अगर किसी को जैसे खान साहब कह रहे हैं यू टर्न ले लें, देखिए यू टर्न का मतलब ये है ना, छोड़ दें चीज़ों को, लेट द पीपल डिसाइड। मैंने उसे यही कहा था ना, सब गुस्सा चढ़ा के मैं करूँगा, मेरा मुल्क है, टक्कर के कोई बाहर से आकर फैसला नहीं करेगा। तो ये लोग आपको तब तक टक्कर देते रहेंगे जब तक कि आप इन लोगों को इनका हक नहीं दे देंगे। अब ये लोग समझदार हैं, ये मिडिल क्लास है, ये कुछ हद तक पढ़े लिखे भी हैं, इनको शऊर भी है, वो अपना हक मांगते रहेंगे। अब दे देंगे तो आराम से, अगर नहीं देंगे तो फिर वो मांगते रहेंगे, जब तक वो मांगते रहेंगे आपको बुरा लगता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इमरान रियासत मौजूद आपने।